हेलो फ्रेंड, नमस्कार। यूट्यूब में आपका स्वागत है। ये मेरे पास अपाची RTR 160 V6 बाइक आई है सर्विसिंग के लिए। तो इसमें क्या क्या खोला जाता है सर्विसिंग में, जो भी हमारे ऑडियंस है तो उनको मैं सोचा कि थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि सर्विसिंग में अगर आप कहीं काम करवाएं तो आपको पता रहे कि नई बाइक जो सर्विसिंग करवाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ खोला जाता है। तो सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ भाई ऐसा करते हैं कि आधा अधूरा काम होता है और कुछ काम नहीं होता है। तो यदि आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से पूरा काम करवा लेंगे। ये चक्का के जो बैरिंग है उस बैरिंग को खोला जाता है, खोल के उसको साफ़ करके एयर फिल्टर को जो भी खोल के उसको, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी खींच लेता है फ्रेंड, तो उसे आप पंप से साफ़ करवाएँ। और चेन स्पॉकेट को वॉश ना करवा के और उसे कपड़े से अच्छे से पोंछ कर ही लगाएं। और अपना ये जो बैटरी है, बैटरी में कार्बन अक्सर आ जाता है, गाड़ी भीग उग जाती है तो उस कार्बन को भी ज़रूर साफ़ करवाएं, क्योंकि कुछ गाड़ी में किक अगर नहीं होती है तो हमारी बाइक जो है कि वो सेल्फ से ही स्टार्ट होती है। तो अगर बैटरी में कार्बन रहेगा तो कभी काम नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। और ये आगे का जो डिस्क ब्रेक है उसे भी खोल के साफ़ करें, चक्के का बैरिंग भी खोल के साफ़ करें, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक इतना महंगा आता है 1200-1400 रुपये के आसपास। इसका पंप अगर जाम हो जाएगा तो हमें नया डालना पड़ जाता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए खोल के जो है कि इसमें ग्रीस ऑयल लगा के उसको फ्री करके ही लगाएँ। और जो प्लग हमारा है, प्लग को भी साफ़ करें, एयर फिल्टर साफ़ करें। और आगे का ये जो छोटी स्पॉकेट का कवर है उसे भी अच्छे से ग्रीसिंग करके साफ़ करके ये लगाएं, तो जाके हमारी बाइक जो है कि एकदम स्मूथ चलेगी। और ऑयल जो है इसकी, इसमें फ्रेंड 1.2 लीटर ऑयल पड़ता है, तो इसमें अगर आप 1 लीटर भी ऑयल डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर हम 1 लीटर ऑयल डालते हैं इसमें। और जो ऑयल का बोल्ट जब आप नीचे से निकालें अच्छे से जो है कि साफ़ करके ही लगाएं, क्योंकि उसमें जो है कि जो ऑयल का जो रेस्ट जमा रहता है वो रेस्ट जाके उसमें पकड़ लेता है, तो उसे भी अच्छे से क्लीन करके ही उसे पैक करें। और इसका जो मीटर का लाइट है फ्रेंड, जो सर्विसिंग का टाइम जब हमारा आता है तो वो ब्लिंक करने लगता है रेड वाली लाइट, तो उसे कैसे बंद किया जाता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अब मेरे चैनल पे जाके आप उसे देख सकते हैं कि ये लाइट को कैसे बंद किया जाता है, वो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी।